तो ये एसी करंट है इस वक्त, ये जो तीन सॉकेट्स में लगी हुई है 0.4 एसी एम्पेयर कंज्यूम हो रहा है, सोलर करंट 4 एम्पेयर के करीब आ रहा है, लोड का 2.4 एम्पेयर ले रहा है, बैटरी के वोल्टेज 11.3 है। ये लाइव डाटा आपको हर जगह मिलेगा, चाहे आप कहीं पे भी हो, अगर आपके सेलफोन जो है वो उसमें इंटरनेट मौजूद है तो आपको ये डाटा कहीं पे भी मिल सकता है, आप दुनिया के किसी हिस्से में भी हो आपको ये अपडेट होगा। ये लाइव रियल टाइम डाटा चल रहा है, तकरीबन 50 वॉट्स के करीब जो है वो पावर जो है वो रियल टाइम आपको नजर आ रही है। देखें बैटरी का लेवल डाउन हो जा रहा है, ऑटो कट ऑफ हो जाएगा, लोड ऑटो कट ऑफ भी आपको दिखाएंगे। बैटरी के वोल्टेज 9.3 है, मैंने यहां पे तकरीबन 9 सेट किए हुए हैं, ये देखें कट ऑफ हो गया, लेकिन सोलर से कोई करंट नहीं आ रहा। अब जैसे ही सोलर से करंट आएगा तो अब यूपीएस से चार्जिंग बंद होनी चाहिए वरना बैटरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, दो तरफ से चार्जिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे ही सोलर करंट आए तो यूपीएस बंद होना चाहिए, तो देखते हैं कि सोलर करंट आने की वजह से यूपीएस बंद होता है या नहीं होता। तो मैं सोलर करंट यहां से ऑन करने वाला हूं, ये सोलर करंट मैंने ऑन कर दिया है। जैसे ही सोलर करंट मैंने ऑन किया वहां 4 एम्पीयर आया, यहां पे ऑटोमेटिक ऑफ हो गया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स आई एम सो एक्साइटेड टुडे क्योंकि मैं आज आपको देने जा रहा हूं उस सोलर डिवाइस का डेमोंस्ट्रेशन जो कि मैं पिछले कई दिनों से आपको बता रहा हूं कि सोलर डिवाइस जो है वो मैंने डेवलप की है। पाकिस्तान में सोलर की दुनिया में एक नई डिवाइस की आमद जो है वो हो चुकी है और उस डिवाइस की जो डेमोंस्ट्रेशन है वो मैं देने जा रहा हूं। और ये डिवाइस आपके लिए जिन्होंने MPPT लगाया हुआ है या जो रिले लगाने के झंझट में थे या PWM आज कंट्रोलर से जो है DC लोड चलाने के झंझट में थे उनके लिए बहुत से प्रॉब्लम्स जो हैं वो हल कर दिए हैं। मैं आपको पूरा डेमो दूंगा कि ये डिवाइस जो है इसके अंदर क्या क्या फंक्शंस हैं, इसको आपने कैसे लगाना है, ये आपके लिए क्या क्या कर सकती है, कैसे लोड चलाना है, मुकम्मल मालूमात जो है वो लोड चला कर आपको दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है डिवाइस का वो बॉक्स जो कि मैंने स्पेशली डिज़ाइन करवाया है इस डिवाइस के लिए, इसकी एक खूबसूरत लुक देने के लिए। यहाँ पर मैंने एक फ्रंट पर, वैसे यहाँ पर मैंने LCD लगाई थी लेकिन LCD मैंने रिमूव कर दी है और क्योंकि LCD की इधर ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने इसको IoT डिवाइस बना दिया है। डिस्प्ले आपको सेलफोन के ऊपर मिलेगा और अभी एक यहाँ से जो एयर की एंट्री होगी इस जगह से, और यहाँ मैंने एक फ़ैन दे दिया है लेफ्ट साइड पर, आपको नज़र आ रहा होगा ये फ़ैन दे दिया है ताकि सारी हीट जो है वो यहाँ से एग्जॉस्ट हो जाए। तो चलिए व्यूअर्स शुरू करते हैं वन बाई वन। आप सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इसकी पोर्ट्स के बारे में, इसकी जो है वो ये तीन पोर्ट्स हैं इसकी और वन बाई वन मैं आपको जो है वो एक्सप्लेन करूँगा। एक पोर्ट ये है, ये पोर्ट जो है बैटरी की प्लस और माइनस है, यानी यहाँ बैटरी की प्लस आपने इंस्टॉल करनी है, यहाँ बैटरी की माइनस इंस्टॉल करनी है, यानी इस हिस्से में आपने अपनी बैटरी जो है वो इंस्टॉल कर देनी है, बैटरी की प्लस माइनस यहाँ अटैच कर देनी है, बैटरी की प्लस और बैटरी की माइनस, राइट। और उसके बाद जो है सेकेंड पोर्ट है, ये से जो सेकेंड पोर्ट है ये है आपकी कि आपने एक साइड जो उसकी ये वाली है ये आपने लगानी है जो MPPT से आउट होगी, यानी MPPT का ब्रेकर होगा, ब्रेकर के बाद जो आउट होगी और बैटरी की तरफ जा रही होगी वो बैटरी की तरफ नहीं लेके जानी बल्कि MPPT से आउट करके पहले यहाँ लेके जानी है और फिर यहाँ से आउट करके सेकंड वाली से आउट करके बैटरी की तरफ लेके जानी है। उसके बाद ये है लोड की पोर्ट, यहाँ से डायरेक्ट आप प्लस और माइनस जो है DC लोड डायरेक्टली चला सकते हैं, राइट। अगर आपका घर का लोड जो है वो फॉर एग्जाम्पल 8 पंखे हैं, 10-12 पंखे हैं, DC पंखे हैं या मिसाइल मोटर है या DC इस्त्री है या DC फ्रिज है, वो सारा आप यहाँ से इसी पोर्ट से चला सकते हैं। 4 mm की या 6 mm की वायर यहाँ से आउट करके आप चला सकते हैं, राइट। तो ये हो गई बैटरी, राइट पे हो गई आपकी लोड और सेंटर में आपने जो है वो MPPT और बैटरी का कनेक्शन करना है। यहाँ पे सारे सेंसर्स इंस्टॉल किए गए हैं जो कि आपको वोल्टेज और करंट मेजर करके देंगे और यहाँ पर ये रिले लगा दिए मैंने, ये आपको नजर आ रही होगी, ये एक रिले है, ये जो रिले है ये DC रिले है और आपका डायरेक्ट जो DC लोड है वो ये चला सकती है। और ये DC रिले मैंने ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल कर दिया क्योंकि आप कभी PWM चार्ज कंट्रोलर खरीद रहे थे, कभी आप DC रिले के पीछे भाग रहे थे, तो वो सारी चीज़ें मैंने इसमें कनेक्शंस कर दिए हैं। आपको कोई कम्प्लेक्स कनेक्शन नहीं करना, आपको जस्ट इसके साथ MPPT कनेक्शन करना है और डायरेक्टली यहाँ से लोड चलाना है, डैट्स इट।
रिले मैंने इसमें फिट कर दिया, कनेक्शन मैंने इसके कर दिए हैं, और अगर बैटरी का लेवल लो होगा तो ये डिवाइस आपके लिए PWM चार्ज कंट्रोलर का काम भी करेगी, यानी कि जैसे ही लोड जो है वो 11 वोल्ट से नीचे की तरफ जाएगा, यानी 10.7 पे या 10.5 वोल्ट पे 11 वोल्ट पे जाएगा, तो आपका लोड ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाएगा, यानी कि ये रिले एक्टिव हो जाएगी और लोड कट ऑफ कर देगी, आपकी बैटरी को डीप डिस्चार्ज में नहीं जाने देगी। यानी आपका आपकी ये डिवाइस जो है वो PWM चार्ज कंट्रोलर का काम भी कर रही है, और आपकी ये डिवाइस जो है IoT बेस्ड डिवाइस है, जो सेल फोन के ऊपर भी मैं आपको मुकम्मल डिस्प्ले इसका दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं डिवाइस के अंदर क्या क्या लगा हुआ है उसका थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूंगा। ये आपको मैंने एक पोर्ट दिया यहाँ, ये पोर्ट जो है ये नीचे की तरफ से आप यहाँ UPS अटैच कर सकते हैं, यानी ये हाइब्रिड फंक्शन है इसका, ये पोर्ट पे आप अपना UPS अटैच करेंगे, यानी UPS को ऑन या ऑफ ये डिवाइस खुद करेगी। अगर आपका MPPT नॉन हाइब्रिड है और उसको आप हाइब्रिड बनाना चाहते हैं, यानी डे टाइम में आप UPS को ऑफ रखना चाहते हैं और शाम में आप UPS को ऑटोमेटिक ऑन कराना चाहते हैं जब सोलर एनर्जी नहीं होगी, तो उस वक्त ये पोर्ट एक्टिव हो जाएगी ऑटोमेटिकली, सोलर एनर्जी को डिटेक्ट करते हुए ये जो सोलर के ऊपर से करंट आ रहा होगा उसको डिटेक्ट करेगी, जब सोलर के ऊपर से करंट आना बंद हो जाएगा ये पोर्ट एक्टिव हो जाएगी और आपका UPS ऑन हो जाएगा, यानी हाइब्रिड फंक्शन आपका एक्टिव हो जाएगा। ये हो गया आपका हाइब्रिड फंक्शन, ये होगी आपका PWM फंक्शन, और इसके अलावा ये हो गया आपका DC पोर्ट, डायरेक्ट आप चला सकते हैं इसे, और इसके अलावा जो इसका ऑप्शन है वो है IoT फंक्शन, IoT फंक्शन जो है वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। फैन इसमें लगा दिया है ताकि हीट जो है वो यहाँ से निकलती रहे, लाइटिंग इसमें एक दे दी है खूबसूरत सी ताकि एक देखने में डिस्प्ले इसका अच्छा लगे और हर चीज़ें वाजे तौर पे नजर आए, और यहाँ पे ये पावर सप्लाई का ऑप्शन है, यहाँ पे आपने पावर सप्लाई देनी है। ये है जी करंट ट्रांसफार्मर, ठीक है, ये अगर आप इसके बहुत से काम हैं, अगर आपकी सोलर एनर्जी जो आप बना रहे हैं, अगर आप देखना चाहते हैं कि आपने जो सोलर एनर्जी बनाई है वो कितनी बनाई है, कितने यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए हैं, कितनी पावर जो है वो आपको सोलर बना के दे रहा है, ये आपने वहां पे क्लेम कर देना है। जब आप उसको क्लेम करेंगे वायर को, तो मेरा सिस्टम मोबाइल के ऊपर आपको दिखाएगा कि आपने कितनी सोलर एनर्जी बनाई है, और इसके और भी बहुत से काम है। अगर आपके घर में वापडा का मीटर लगा होता है, आपसे क्रॉस चेक करना चाहते हैं कि वापडा का जो मीटर है वो ठीक है कि नहीं, आप चेक करना चाहते हैं कि आप कितनी बिजली वापडा से ले रहे हैं, कितने यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं महीने के, तो आपको ये जो है डिवाइस बताएगी मोबाइल के ऊपर। तो आप इससे वापडा के मीटर के साथ भी अटैच करना चाहें कर सकते हैं, आप सोलर इन्वर्टर की इनपुट पे अगर लगाना चाहें, मिसाल के तौर पर आप ये देखना चाहते हैं कि सोलर इन्वर्टर जो है वापडा से कितनी बिजली कंज्यूम कर रहा है, कितनी बिजली खा रहा है, अगर आपको थोड़ा डाउट है सोलर इन्वर्टर पे कि आपका बिजली का बिल सोलर लगाने के बावजूद ज्यादा आ रहा है, तो ये डिवाइस आपको बताएगी कि आप वापडा से कितनी बिजली जो है कंज्यूम हो रही है और सोलर से कितनी बिजली जो है वो बन रही है। तो इस तरह की अगर मैं आपको दो भी दे सकता हूँ, आप ऑर्डर के ऊपर भी डिवाइस तैयार करवा सकते हैं, मैं इस तरह की दो भी दे सकता हूँ, तीन भी दे सकता हूँ। अगर आप वापडा को अलग से मॉनिटर करना चाहते हैं तो आप वापडा को अलग से मॉनिटर कर लें, सोलर इन्वर्टर की आउटपुट को अलग से मॉनिटर करना चाहते हैं उसको भी मेजर कर लें, लेकिन मैंने MPPT के सेटअप का जो UPS वाला कनेक्शन होता है, UPS कितना लोड चला रहा है वो मेजर करने के लिए मैंने ये ऑप्शन दिया है कि अगर आप MPPT के साथ AC लोड चला रहे हैं, DC लोड के अलावा AC लोड भी चला रहे हैं, तो कितना AC लोड आप चला रहे हैं, तो ये आपको CT से पता चलता है कितना लोड आप चला रहे हैं, इसकी डेमोंस्ट्रेशन अभी मैं आपको दूंगा। जी तो व्यूअर्स, सेटअप जो है वो कंप्लीट हो चुका है, DC लोड आपको चला के दिखाने के लिए मैंने ये फैन जो है वो यहाँ पर रख दिया है, ये DC फैन है, 12 वोल्ट पे चलता है, इसकी ये प्लस माइनस की वायर जो है वो मैंने यहाँ से इस पोर्ट से जो मैंने आपको बताई यहाँ से मैंने यहाँ पर अटैच कर दी है, राइट। बैटरी जो है वो मैंने ये प्लस माइनस यहाँ से अटैच कर दी है, और यहाँ पे जो है वो बेसिकली आपने लगानी है जो सोलर से MPPT जो है वो जो सोलर से बना के आउट दे रहा है, MPPT की जो आउटपुट है वो यहाँ लगानी है, लेकिन मेरे पास MPPT नहीं है तो मैंने यहाँ ये एक जो है वो चार्जर जो है वो इस्तेमाल किया जिसका काम है बैटरी को चार्ज करना, तो जो काम सोलर कर रहा होता है बैटरी चार्ज करने वाला वही ये चार्जर कर रहा है, तो चूंकि मेरे पास अभी सोलर पैनल नहीं है तो मैंने चार्जर जो है वो इस्तेमाल किया, यानी कि ये सोलर पैनल का काम कर रहा है, यानी बैटरी को चार्ज कर रहा है, यानी MPPT से जो आउटपुट होती है ये उसका काम कर रहा है, यानी कि ये हमारा सोर्स है और ये हमारा लोड है, यानी इस वक्त हमारी बैटरी लोड है और ये सोर्स है, तो हम क्या करेंगे इस सोर्स को यहाँ कनेक्ट करेंगे थर्ड वाली पे और लोड को यहाँ कनेक्ट करेंगे, ये सोर्स है ये लोड है। अभी मैंने ऑन नहीं किया इसलिए ये ऑफलाइन आ रहा है, तो जैसे ही मैं इसको अभी यहाँ प्लग करूंगा तो आपके सामने यहाँ पे ऑनलाइन लिखा आ जाएगा, क्या आ गया है, फैन ऑन हो गया है, यानी DC लोड आपका चल रहा है, लेकिन ये फैन कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, और इस वक्त हमारा ये जो एक लैपटॉप मैंने इस पर चला रहा हूँ, ये लैपटॉप है, ये लैपटॉप मैंने इसे कनेक्ट किया हुआ है, और एक इस वक्त मैं इसे ये चला रहा हूँ, अपनी डिवाइस चला रहा हूँ, इस ये सॉकेट हमारी कितनी पावर कंज्यूम कर रही है ये भी हम देख सकेंगे,
ये फैन हमारी कितनी पावर जो है वो कंज्यूम कर रहा है ये भी हम देख सकेंगे, और सोलर हमें कितनी पावर दे रहा है ये भी हम देख सकेंगे। चलिए ऐप के अंदर चलते हैं जी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है, सोलर से करंट अभी कोई नहीं आ रहा। सोलर से करंट इसलिए नहीं आ रहा कि चार्जर अभी ऑफ है, चार्जर का भी मैंने ये नहीं लगाया, इसको भी ऑन कर लेते हैं। ये ऑन होगी ये डिवाइस, जैसी डिवाइस ऑन हुई है सोलर का करंट शो होने लग गया है, और ये एसी करंट है इस वक्त। ये जो तीन सॉकेट्स में लगी हुई है 0.4 एसी एम्पेयर कंज्यूम हो रहा है, सोलर करंट 4 एम्पेयर करीब आ रहा है, लोड का 2.4 एम्पेयर ले रहा है, बैटरी के वोल्टेज 11.3 है। ये लाइव डाटा आपको हर जगह मिलेगा, चाहे आप कहीं पे भी हो, अगर आपके सेलफोन जो है वो उसमें इंटरनेट मौजूद है तो आपको ये डाटा कहीं पे भी मिल सकता है। आप दुनिया के किसी हिस्से में भी हो आपको ये अपडेट होगा। नीचे चलते हैं, ये देखें जी, ये लाइव रियल टाइम डाटा चल रहा है, तकरीबन 50 वॉट्स के करीब जो है वो पावर जो है वो रियल टाइम आपको नजर आ रही है। डीसी सोलर पावर जो है वो कितनी आ रही है, सोलर से कितनी पावर आ रही है आपने देखा, यहां से कितनी पावर आ रही है 2.6 एम्पेयर 50, ये पावर है, वाई एक्सिस के ऊपर पावर है और ये टाइम है। आप लाइव डाटा भी देख सकते हैं, एक घंटे का रिकॉर्ड भी देख सकते हैं, 6 घंटे का रिकॉर्ड, 1 दिन का रिकॉर्ड, 1 हफ्ते का रिकॉर्ड, महीने का रिकॉर्ड, 3 महीने का रिकॉर्ड, कब कितनी एनर्जी सोलर से बनी। फिर नीचे आ जाएं, ये है डीसी पावर लोड, इस वक्त एक पंखा चल रहा है 24-25 वॉट के करीब जो है पावर कंज्यूम हो रही है, 50 वॉट भी पावर कंज्यूम नहीं हो रही, ये लोड है, ये पंखा चल रहा है आपके सामने। जैसे ये पंखा बंद होगा यहां पर ये जीरो शो करेगा, और जैसे ही ये जीरो हो जाएगा मगर सोलर की पावर ना आ रही हो तो ये जो पिंक वाला ग्राफ है ये भी जीरो शो करेगा। 80 वॉट से करीब इसमें पावर कंज्यूम हो रही है क्योंकि इसमें 3 सॉकेट्स लगाई हुई है मैंने। अच्छा, अब इसको हम क्रॉस चेक करेंगे, ये क्लैंप मीटर है, इसमें एसी पावर एसी एम्पेयर हम चेक करेंगे, एसी एम्पेयर कितने दिखा रहा है क्लैंप मीटर आपको, 0.5 क्लैंप मीटर दिखा रहा है, 0.5 सीटी भी वहीं लगाई है, क्लैंप मीटर भी वहीं लगाया है ताकि कोई डाउट ना रहे, 0.5 एम्पेयर, और हमारा सिस्टम आपको दिखा रहा है 0.4 एम्पेयर, यानी तकरीबन 0.1 का डिफरेंस आ रहा है इसमें। तो व्यूअर्स, अब हम इसका हाइब्रिड फंक्शन चेक करते हैं, देखें इस वक्त सोलर से कोई करंट नहीं आ रहा, सोलर से करंट नहीं आ रहा, यानी यहाँ सोलर से कोई एनर्जी नहीं आ रही। इस जगह पे देखें, अभी आ रही थी मैंने ऑफ की है, मतलब अभी कोई सोलर से एनर्जी नहीं आ रही, तकरीबन जीरो के करीब आ रही है, और इसका यूपीएस इस वक्त ऑन है, और यूपीएस का ऑन होना भी चाहिए क्योंकि अब जब सोलर से एनर्जी नहीं आ रही तो बैटरी को कौन चार्ज करेगा, बैटरी को यूपीएस चार्ज करेगा, तो यूपीएस आपका ये सिस्टम ऑन रखेगा, यानी इस सिस्टम ने यूपीएस को ऑन रखा, यूपीएस अब बैटरी चार्ज करने लग जाएगा, राइट। तो लेकिन सोलर से कोई करंट नहीं आ रहा, अब जैसे ही सोलर से करंट आएगा तो अब यूपीएस से चार्जिंग बंद होनी चाहिए वरना बैटरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, दो तरफ से चार्जिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे ही सोलर करंट आए तो यूपीएस बंद होना चाहिए, तो देखते हैं कि सोलर करंट आने की वजह से यूपीएस बंद होता है या नहीं होता। तो मैं सोलर करंट यहां से ऑन करने वाला हूं, ये सोलर करंट मैंने ऑन कर दिया है, जैसे ही सोलर करंट मैंने ऑन किया वहां 4 एम्पेयर आया, यहां पे ऑटोमेटिक ऑफ हो गया। तो व्यूज, ये थी छोटी सी लाइव डेमोंस्ट्रेशन, जो इसका हाइब्रिड फंक्शन भी आपको दिखा दिया, डीसी लोड का भी ऑप्शन आपको दिखा दिया, आईओटी फंक्शन भी जो ऐप के ऊपर आपको सारी मालूमात मिल रही है वो भी आपको दिखा दिया। तो कंप्लीट जो है वो पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर का फंक्शन भी ये डिवाइस परफॉर्म कर रही है। तो ये सारी चीजें आपको दिखाने का मकसद ये था ताकि आप प्रैक्टिकली इस डिवाइस को जो है वो देख सकें। चैनल पे अगर आप नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि एक आम आदमी तक ये सोलर की सारी नॉलेज पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।